हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का हलवा। सबको आता होगा फॉर श्योर, बट मैं बहुत ही आसान से और झटपट से बना के आपको दिखा दूंगी इजी ट्रिक्स के साथ में, जिसमें ज़्यादा तामझाम ना हो। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर इसमें बना है। आप सर्व कैसे भी कर सकते हैं, चाहे इसके लड्डू बना लीजिए, चाहे इसकी बर्फी बना लीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो आप देख सकते हैं मैंने मूंग की दाल ली है। इसको सिर्फ 2 से 3 घंटा मैंने इसको भिगो कर रखा है। आप चाहें तो भिगोना अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसे ही दाल लेकर धोकर इसको ले सकते हैं। बट अगर आप भिगो लेंगे तो उसका फ्लेवर, उसका थोड़ा सा फ्लेवर अलग हो जाता है भीगी दाल का। तो मैंने दाल भिगोई थी, कुछ लोग सारी रात भी भिगोते हैं। अगर आप वैसा करना चाहते हैं तो जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, बिना भीगी दाल भी आप ले सकते हैं। तो ये बिना मावा का मैं बनाएंगे मूंग की दाल का हलवा। तो आप देख सकते हैं मैंने दाल को अच्छे से पानी सोक करके सिर्फ इसको रोस्ट करना है गर्म कढ़ाई में। सिम हमने लो से थोड़ा सा बीच में तेज करना है, फिर हमने स्लो कर लेना है और इसको अच्छे से भूनकर इसको रोस्टेड कर लेना है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, आपको हलवा खाने में पता लगेगा। अब इसके बाद हम करेंगे, ठंडा होने के बाद हमारा दाल डाल देंगे घी में। घी मैंने घर का बनाया हुआ है, आप चाहें तो कोई भी घी ले सकते हैं, मार्केट का भी। अगर घर का लेंगे तो बहुत अच्छा सा इसमें एक फ्लेवर अलग सा ही आ जाता है। तो अच्छे से घी में डालकर हम हमारी दाल को भूनेंगे। घी में कटौती नहीं करेंगे क्योंकि ये मूंग की दाल का हलवा है, तो घी इसमें ज़्यादा ही जाता है, नहीं तो आपकी दाल थोड़ी सी सूखी सूखी सी लगेगी। तो अब मैंने दाल को मिक्स नहीं किया था मिक्सचर में, बट अभी मैं इसको भूनने के बाद, घी में भूनने के बाद इसको एक मैं मिक्सचर में मिक्स करूँगी। आप चाहें तो अपना मिक्सी में कर सकते हैं, आपके पास हैंडी है तो आप हैंडी के साथ भी कर सकते हैं, हैंड जो होता है ब्लेंडर। तो मैं हैंड ब्लेंड के साथ इसको ब्लेंड करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा मेरा फाइन पेस्ट बन गया है। भूनने के बाद मैंने इसीलिए इसको ब्लेंड किया ताकि बहुत अच्छे से ये मैश हो जाए। तो बहुत अच्छे से अब घी छोड़ रहा है, जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम तब तक भूनेंगे। उसके बाद मैं 1 से 2 गिलास, छोटे वाले गिलास होते हैं, वो डालूँगी दूध के इसमें और अच्छे से इसको भूनेंगे। भूनने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसमें दूध डाला है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसमें ताकि सारा सोक हो जाए हमारा मिल्क। तो इसमें कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा दूध डालने के बाद। आप चाहें तो इसमें फूड कलर ऑरेंज जो आता है हमारा लड्डू बनाने का मोतीचूर का, वो डाल सकते हैं, या फिर ऑप्शनल हल्दी भी है, हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्दी से येलो कलर आ जाएगा, फूड कलर से थोड़ा ऑरेंज कलर हो जाएगा हमारे हलवे का। इसी पोजीशन में हम डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने जितनी आपकी दाल है आप वो भी डाल सकते हैं, 1 से 1.5 कटोरी। अगर आपके पास 1 कटोरी दाल है तो आप उससे थोड़ा कम डालें चीनी। तो मैंने अब डाल दी है, इसमें चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। भूनने में तभी मैंने बोला था कि आप घी की क्वांटिटी को अच्छे से डालें ताकि भूनने के बाद जब वो घी छोड़े तो हमारा कढ़ाई छोड़ जाएगा हलवा। अभी ये चिपक रहा होगा बट थोड़ी देर बाद ये बहुत अच्छे से घी छोड़ जाएगा। आप इसको लड्डू बना लीजिए, सर्दियों में आप इसकी बर्फ़ी बना लीजिए, बहुत ही अच्छा ये हलवा है और सर्दियों में भी बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हलवा कैसे बनाते हैं, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप मेरी कोई और रेसिपी भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिए और बाकी सारी भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिए रेसिपीज। तो आप देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया घी छोड़ दिया है कढ़ाई ने। तो ऐसा ही हमें टेक्स्चर चाहिए और फ्लेवर चाहिए, कलर चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, कमेंट करके ज़रूर बताइए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।